प्रश्नावली देखो 3.4 के पास आ जाते हैं हम लोग, जिसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करना, देखो विलोपन विधि से अगर हल करना आप जानते हैं तो इसको हल करने के लिए दोनों समीकरण, जो समीकरण दो जो दिया गया होता है, दोनों को हम लोग बराबर कर लेते हैं और उसमें से एक्स या वाई के मान को काट दिया जाता है, काट कर हल किया। जैसे आपके पास कोई सवाल दे दिया एक्स प्लस, आपको किताब का ही सवाल हम बता देते हैं, चलो ऐसे एक सवाल बता देते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 8 और एक्स माइनस 2 वाई बराबर 12 आपका दे दिया, ठीक है 12 दे दिया। अच्छा मान लो कि आपके पास 7 दे दिया, और कहा इसको हल करो, समीकरण एक हो गया, समीकरण कहाँ आ गया 2 हो गया, जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है, घटा दो, एक से एक दोनों सेम है, कहाँ गुणा करेंगे, जब सेम है तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पर होगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y और 8 माइनस 7, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2y 8 में 7 गया तो ये आपका हो जाएगा, एक से एक्स कैंसिल, वाई वाई 3y हो जाएगा बराबर 1, तो y बराबर 1/3। अब y बराबर 1/3 को किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना, एक सौ लिखो प्लस 1/3 बराबर 8, तो एक्स बराबर 8 माइनस 1/3, तो एक्स बराबर 3 आती 24 माइनस 1 23 होता है, 1/3 जो है भाई कहाँ भी 2 माइनस 2 आएगा, मैं यार 1 में रखा है कहाँ आ जाता है, समीकरण 1 जब लिखल 2 में, ठीक है लग जाएगा आपका 23 कितना आ जाएगा 3, सिंपल सी बात है, यही आपका है विलोपन विधि, आएगा तो लग जाएगा। अच्छा एक वज्रगुणन विधि वाला भी देख लेते हैं हम लोग,